हीरो ने बना दिया लो स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर, जिसे चलाने के लिए इसका कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा, न ही कोई इसका ITO करवाना होगा। आप इसे साइकिल की तरह आसानी से चला पाएंगे। इस स्कूटर को नाम दिया हीरो AE8। आज की इस छोटे से वीडियो में जानेंगे AE8 आपको कहां पर मिलेगा, इसकी क्या कीमत रहेगी, क्या रहेगी इसकी टॉप स्पीड, चार्जिंग होने में इसे कितना टाइम लगेगा, एक बार फुल चार्ज कर आप इसे कितना किलोमीटर तक चला पाएंगे, या कहे इसके ऑल स्पेसिफिकेशन क्या रहेंगे। यह वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा, जिससे आपको AE8 के बारे में और कहीं वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते। डिजाइन वाइज शुरू करें तो इस स्कूटर का डिजाइन वाकई में काफी खूबसूरती के साथ बनाया गया है। इसके फ्रंट में आपको LED हेडलैम्प लाइट देखने के लिए मिल जाएगी। बैटरी के बारे में बात की जाए तो इस स्कूटर के अंदर लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग किया गया है, जिसकी वारंटी 2 ईयर से लगा के 3 ईयर की रह सकती है। चार्जिंग टाइम के बारे में बात की जाए, आप इसे घरेलू चार्जर की मदद से 5 घंटे से लगा के 6 घंटे के अंदर फुल चार्ज भी कर पाएंगे। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर कीलेस एंट्री, लॉक एंड अनलॉक, डिजिटल डैशबोर्ड, ऐसे कई फीचर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। टॉप स्पीड की बात की जाए, 25 किलोमीटर प्रति घंटे से लगा के 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इसकी टॉप स्पीड रखी गई है, तो इसके साथ आपको लाइसेंस बनाने की जरूरत नहीं होगी। ब्रेकिंग सिस्टम की बात की जाए, फ्रंट और रियर में आपको ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिल जाएगा। टायर की बात की जाए तो आपको इसमें ट्यूबलेस टायर देखने के लिए मिलेंगे। लोडिंग कैपेसिटी की बात की जाए, 150 केजी लोडिंग कैपेसिटी इसकी रखी गई है। इस स्कूटर में रिवर्स सिस्टम भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मोटर और पावर की बात की जाए, ब्रशलेस हब मोटर का प्रयोग इसके अंदर किया गया है, जिसकी वारंटी रहेगी 1 ईयर की। यह स्कूटर एक बार फुल चार्ज होने के बाद आप इसे 80 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप चला पाएंगे। ये तो थे इस स्कूटर के स्पेसिफिकेशन। अब जानते हैं इसकी क्या कीमत रहेगी और ये इंडिया के अंदर कब लॉन्च होगा। कीमत की बात की जाए तो 55,000 रुपए के लगभग इसकी कीमत रखी गई है। लॉन्च डेट की बात की जाए, 2022 के अंदर यह इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि इसकी लॉन्चिंग डेट जनवरी के अंदर शो की गई है। तो जल्द ही यह इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडिया की सड़कों पे आपको दिख सकता है। इस स्कूटर के बारे में आपको क्या कमियां लग रही है, क्या अच्छाइयां लग रही है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।